सबसे पहले हम काइन मास्टर ओपन कर लेते हैं, 9 फ़ॉन्ट 16 का रेशो सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद वो वीडियो में जो शूट किया है उसे सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए, इसमें सिर्फ स्काई बैकग्राउंड चेंज होने वाला है और कुछ भी नहीं, तो एंड तक के बने रहिए। अभी इसी वीडियो के हम दो पार्ट में कर लेते हैं, इसका और एक डुप्लीकेट लेयर ले लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, नीचे सेलेक्ट करके लेयर ले लिया, जो सेकंड लेयर लिया उसे डाउन कर लेते हैं नीचे एकदम, और जो फर्स्ट लेयर है उसको कलर फिल्टर हम ब्लू रखते हैं। कलर फिल्टर में गए, वहाँ से हमको डार्क ब्लू सिलेक्ट करना है एकदम नीचे जाके। ये देखिए, नीचे आपको डार्क ब्लू मिलेगा और इसमें आके ब्लू सिलेक्ट कर लिया। और जो सेकंड वाला वीडियो है उसको अभी हमको फुल स्क्रीन करना है, जो देखिए फुल हो गया राइट पे क्लिक करके। अभी इसी में हमको क्रोमा की चेंज करना है, तो अभी हम क्रोमा की में जाते हैं सेकंड वाले वीडियो के। क्रोमा की इनेबल कर लिए। अभी जो हमको की कलर है, की कलर चेंज करना है, की कलर हमको ब्लू रखना है। तो देखिए, की कलर पर क्लिक करते हैं, लाइट ब्लू और डार्क ब्लू दोनों में से एक, जैसे लाइट ब्लू ठीक रहा है तो उसी को सिलेक्ट करते हैं। देखिए, अभी थोड़ा एडजस्ट करना है हमको यहाँ पे, तो थोड़ा यहाँ एडजस्ट करते हैं क्रोमा की को, तो थोड़ा कलर इफेक्ट प्रॉपर दिखने लगेगा। ये देखिए, यहाँ से मैंने थोड़ा एडजस्ट कर दिया हूँ ताकि आपका वीडियो बैकग्राउंड परफेक्ट आ सके। देखिए, यहाँ आपका वीडियो रेडी हो गया। अब इसको मैं प्ले करके आपको बताता हूँ। ये देखिए, सिर्फ बैकग्राउंड इसके हमने चेंज किया है इस वीडियो में। देखिए, क्लैरिटी भी वही की वही रहेगा आपके, और आपके फेस पे थोड़ा भी ब्लू कलर नहीं आएगा, मेन चीज़ तो ये है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।